गेंद दी तो मेरा ओवर खत्म ही नहीं हो रहा था. मतलब 6 बॉल नहीं कंप्लीट हो रहे थे, 12 बॉल डाल दिए. ये ऐसा मोमेंट था कि उस टाइम पे बिल्कुल भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, और 9000 देख के तो आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे. एक ये गेम रह गया था मेरा, वो है क्रिकेट. क्रिकेट में एक्चुअली में मैंने क्लब ओपन होने के बाद ही खेलना शुरू करा था. पढ़ाई कैसा था स्कूल कॉलेज लेवल पे? पढ़ाई तो उस पे भी ध्यान था या फिर वो भी पढ़ाई निकल गया? पढ़ाई इतना मैंने मन लगा के सच बताओ तो पढ़ाई नहीं करी. मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तब वहाँ पे लेडीज क्रिकेट भी है किसी को पता भी नहीं था और था भी नहीं. अच्छा. बीजापुर में जब 2007 में वुमेन्स क्रिकेट क्लब करके ऐसे ही नया सा क्लब ओपन किया, तब हमने ऐसे ही चलो खेलते करके जब ज्वाइन करने के लिए मेरे डैड ने बहन को और मुझे दोनों को साथ में लेके ज्वाइन करा दिया. तो ऐसे ही खेलते खेलते क्रिकेट मेरा शुरू हो गया. तो क्लब ज्वाइन करने से पहले आपने गली क्रिकेट खेला होगा क्योंकि वो बहुत कॉमन है. हाँ, खेलती थी भाई लोगों के साथ, कजिन्स के साथ. अच्छा. तो बस हाँ, टेनिस बॉल क्रिकेट ही पता था. ओके. पर सीरियसली लेदर बॉल क्रिकेट तो मुझे जब तक मैंने खेलना शुरू नहीं किया तब तक मुझे पता नहीं था. तब तक आइडिया था ही नहीं बिल्कुल भी. बिल्कुल. तो आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे तो मुझे मिला के 5 लोग हैं. जब 5 लोग हैं तो आपको कभी ऐसा वो कमी नहीं महसूस होगी जो एक प्लेयर को कमी? नहीं, नहीं, नहीं. हम लोग बस बहुत ही मतलब कि दीदी बहन भाई और डैड सब मिलके मस्त मजे करते थे. अच्छा. आपके डैड भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे डे वन से, वो क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन था? डैड का तो बहुत ही सपोर्ट रहा है, ना कि सिर्फ क्रिकेट या कुछ चीज़ को लेके. जो भी हम करना चाहते थे, जैसे कि हम घर में सिंगिंग भी बहुत है और हम कलाकार लोग जैसे बोलते हम लोग कलाकार से. और पापा का हर चीज़ में बहुत ही इन्वॉल्व रहते थे, हर चीज़ में सपोर्ट रहा है डैड का. पूरी पूरी फैमिली आपकी वो एकदम टैलेंट से भरी है, राइट? एक बार मेरे को ज़रा बताओ कि कौन कौन क्या क्या करता है, क्योंकि एक मुझको पता है राजेश्वरी क्रिकेट खेलती है, आपकी जो सिस्टर है रामेश्वरी वो भी कर्नाटका रिप्रेजेंट कर चुकी है, इसके बाद आपके जो भाई हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए. दीदी कॉलेज में हॉकी खेलते थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेले हैं हॉकी में. हॉकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला उन्होंने? हाँ जी. वाओ. और मैं और मेरी बहन क्रिकेट, और छोटा भाई, मेरे से छोटा भाई है वो स्टेट तबला अवार्डी है, 3 स्टेट अवार्ड्स है उसके. स्टेट तबला? तबला. वाओ. और छोटा भाई बैडमिंटन खेलता है. और सिंगिंग भी. अच्छा. तो इन शॉर्ट मतलब सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो आपकी फैमिली ने कवर कर लिया है. कुछ कुछ छोड़ा है बाकी लोगों के लिए? है, टैलेंट है सब में थोड़ा थोड़ा. ओके. तो ये कहाँ से आया ये, मतलब आप लोग पहले से जब बड़े हो रहे थे तो घर पे ऐसा माहौल था? हाँ, कि स्पोर्ट्स एकदम घर में, जैसे कि गाना तबला हारमोनियम बजाना सब कुछ पहले से ही है. मतलब कि दादाजी को भी गाना गाना तबला वो सब बहुत पसंद था. हाँ. अच्छा. तो मेरे फैमिली में ही है. हाँ. तो उसके साथ साथ पापा को गेम्स भी पसंद थे और ख़ास तौर पे क्रिकेट तो बहुत ही पसंद था. वो भी खुद खेलते थे लड़कों के साथ जब वो. अच्छा. तो उनके यंग टाइम्स, उनके यंग डेज में. हाँ जी. अच्छा. तो ऐसे ही पहले से ही चले आ रहे. okay. ऐसे गेम को लेके कोई सीरियस नहीं था, पर संगीत को लेके बहुत ही सीरियस थे हमारे घर. अच्छा. अच्छा. वो संगीत के लिए आपके जो दादा थे वो एकदम सीरियस थे. हाँ. तो म्यूजिक का जो आपका कल्चर वो वहाँ से आता है. जो डैड थे आपके वो थोड़े क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से इंक्लाइन था? नहीं, पहले जब से बचपन से तो हम जब तक मैं क्रिकेट पता नहीं था, जब तक क्लब ओपन नहीं हुआ था तब तक हम सारे सिंगर्स ही थे. तब तक गाना ही गाते थे हम लोग. इंक्लूडिंग यू? आप भी गाते? सिंगिंग भी था. okay. हम मैं दीदी और बहन तीनों गाना गाते थे. हाँ. और छोटा भाई जो छोटा भाई तबला. हाँ. और एक भाई भी. हाँ. और एक कुछ इंस्ट्रूमेंट. हाँ. होता है उसका नाम मुझे नहीं पता है. अच्छा. फिर वो बजाता था, इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था. और पापा हारमोनियम बजाते थे. तो पूरा तो हमारा 5-6 लोग मिला के माहौल बनता था आराम से ना. हाँ. मतलब वो किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है, आप लोग जब चाहिए मन आप लोग अपना माहौल खुद ही बना लो. गाने का भी हमने कोई क्लास वगैरह नहीं किया, तो पापा ही सिखाते थे घर पे. अच्छा. तो पापा भी पहले से ही ट्रेंड थे कहीं पे या फिर? नहीं, उन्होंने भी ऐसे ही सीखा था. उनको भी गाना गाना हारमोनियम बजाना बहुत पसंद था.
तो ऐसे सैटरडे संडे छुट्टियों में ना हम लोगों को बैठ के गाना सिखाते थे घर पे। वाओ, मतलब इन शॉर्ट ये नेचुरल टैलेंट था और उनकी वजह से फिर वो उनके बच्चों में भी आ गया। पर आपके क्रिकेट जर्नी के पहले आपने शायद डिस्कस थ्रो और जैवलिन ये सब में भी इनिशियली आपने वो खेलना शुरू किया। ये तो मैं स्कूल में खेलती थी, स्कूल में मैंने हाई स्कूल में खेलना शुरू किया था। और वॉलीबॉल जो था मैं इतने सिक्स स्टैंडर्ड से खेल रही थी स्कूल में, पर सब गेम सबसे खेलते आ रही हूँ, पर एक ही एक गेम रहेगा था मेरा, वो है क्रिकेट। क्रिकेट में एक्चुअली में मैंने क्लब ओपन होने के बाद ही खेलना शुरू करा था। अच्छा, उसके पहले तक प्रॉपर कभी नहीं खेला था? सब नहीं। जबकि आपने शुरू किया था आपके नॉर्मल जेवलिन से, डिस्कस थ्रो से, वही सब स्कूल में ही खेलती थी। और वो कंटिन्यू नहीं किया आगे? नहीं, क्रिकेट जो एकदम लेट शुरू किया वो कंटिन्यू भी किया। कंटिन्यू हो गया। ये ज्यादा सीरियस ले लिया गेम। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि ये ज्यादा सीरियस ले लिया और वो वाला थोड़ा कम हो गया या फेज आउट हो गया? वो तो स्कूल में खेलती थी, पर जब मैंने क्रिकेट क्लब में खेलना शुरू किया तो स्कूल भी छूट गया, उसके साथ साथ वो गेम्स भी छूट गए मेरे। पर कॉलेज में मुझे क्रिकेट में इतनी सीरियस हो गई थी कि सुबह प्रैक्टिस भी रहती थी तो जल्दी जाके बैठना ग्राउंड पे, दिन में भी बैठना, इसकी वजह से कॉलेज में भी मेरा उतना मन नहीं लगता था, फट से चले आके ग्राउंड पे प्रैक्टिस के लिए आ जाना। पर इसकी वजह से मैंने स्कूल में कॉलेज में जो गेम्स हो रहे थे उस पर ध्यान कम देती गई और क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होते गया। तो पढ़ाई कैसा था स्कूल कॉलेज लेवल पे? पढ़ाई तो उस पर भी ध्यान था या फिर वो भी पढ़ाई इतना मैंने मन लगा के सच बताओ तो पढ़ाई नहीं करी क्योंकि जब जेवलिन थ्रो, डिस्कस ये सब खेलती थी उस टाइम पे स्कूल के हमारे गेम्स होते थे, क्लास ए क्लास बी ऐसे सारे 9th 10th और 8th 9th 10th के ऐसे क्लासेस होते थे। तो हम लोगों का कैसे रहता था, ए बी बी का ऐसा जो सेक्शन वाइज होता था उसका कंपटीशन होता था। तो हम लोगों को कैसा रहता था, हम लोगों को जीतना ही है हर साल, ये क्लास जीतना ही है करके ऐसा रहता था। तो हम लोग ज़्यादा वर्क करते थे उस पर और मैं स्पेशली क्लास मिस करके प्रैक्टिस करती थी और ये स्पोर्ट्स एक बहाना बन जाता था कि मैं तो स्पोर्ट्स टीम में हूँ। वो कैसा था कि जब मैडम पीटी मैडम थे तो वो ज़्यादा बुला के मुझे प्रैक्टिस के जाते थे। तो मेरा खासतौर पर ध्यान गेम पे ज़्यादा था और पढ़ाई में थोड़ा कम, और पीटी पीरियड जब रहता था तब ज़्यादा स्कूल में मन लगता था मेरा, बाकी टाइम तो जब ऐसा लगता था कि ना ही जाऊँ स्कूल, पर ज़्यादा खेल को लेके ज़्यादा मेरा। तब कि आपके जो डैड थे वो टीचर थे स्कूल में, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो? वो प्राइमरी स्कूल टीचर थे। तो अच्छा, तो घर पे टीचर है आपके डैड, फिर भी आपको जो है वो स्पोर्ट्स में आपका इंक्लिनेशन है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कभी डैड ने बोला नहीं यार थोड़ा पढ़ भी लो? पढ़ाई के लिए तो बोलते थे पापा, हर वक्त बोलते थे, पर जब एक चीज़ को लेके मैं सीरियस ही नहीं हूँ जैसे पढ़ाई के लिए, तो दूसरे कुछ भी बचपन में ही पापा ने क्या करा था कि हम लोगों को ड्राइंग बनवाना, गाना बनवाना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी करवाते थे। पर उनको जब पता चला कि हम लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा खेल में इंटरेस्ट है तो खेलने के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उन्होंने मोटिवेट किया होगा कि हाँ ये इस पे जाओ। और उनको जब हमारा दूसरी जगह टैलेंट दिखने लग गया तो उसको ही सपोर्ट करते गए। वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं हाँ जी, मतलब अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए फिर वो पढ़ाई हो या वो, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ाई करो बोलते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं थे क्योंकि उन लोगों को हम लोगों को जो उनको जो जिस बच्चे में जो टैलेंट दिख रहा था उस चीज़ को लेके वो सपोर्ट करते गए और वो सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ। एक्चुअली मतलब अगर उन्होंने शायद आपको पुश किया होता कि नहीं पढ़ाई कर लो या आपको ही नहीं आपके जो बाकी के भाई बहन हैं तो शायद वो लोग आज जो जिस रिस्पेक्टिव फील्ड्स में उन्होंने इतना अच्छा किया वो शायद नहीं कर पाते। वो तो है, क्योंकि पापा एक टीचर होने के बाद भी कभी उन्होंने हमको इतना पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया कि जो आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो करके। फिर उसके बाद फिर आपका प्रोफेशनल जर्नी कब से शुरू हुआ क्रिकेट का? क्रिकेट मैं तो कितना 2007 ऐसे ही कुछ क्लब स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद 2 मंथ में मेरा स्टेट के लिए सिलेक्शन हो गया। दो महीने के अंदर उसके अच्छा। उससे पहले जब क्लब ओपन होने वाला था तो पेपर में आर्टिकल आया था, तो उससे पहले पापा ने क्या किया, हम लोगों को मुझे और मेरी बहन को
कैचेस देने लग गए, मतलब जो टेनिस बॉल होता है ना थोड़ा हार्ड वाला, तो उससे कैचेस देना, वो तो ऑलरेडी उन्होंने हमारी प्रैक्टिस शुरू करवा दी थी. करेक्ट. जब हम लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा मुश्किल ना हो कुछ भी करके, तो तब से हम लोगों को कैचेस लेना वो सब ईजी हो गया. जब सर सब बताने लग गए तो सर सब जल्दी समझ में आने लग गए कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है. पर जब क्रिकेट मैंने खेलना शुरू करा तो मुझे उतना टफ नहीं गया, थोड़ी बहुत तो नॉलेज आ गई थी मुझे, कैचेस कैसे पकड़ने होते क्या, और ये हार्ड बॉल होता है तो कैसे पकड़ना होता है, तो उस चीज़ से मुझे बहुत ही मतलब हेल्प मिला. तो उसके बाद जब स्टेट के लिए सेलेक्शन के लिए गए तो तब तो मैं फास्ट बॉलिंग डालती थी, तो उनको मेरा एक्शन वगैरह बहुत अच्छा लग गया, तो उन्होंने मेरे सीनियर टीम में सेलेक्शन कर लिया. कर्नाटका स्टेट के सीनियर टीम में. सीनियर टीम में. ओके. एज अ फास्ट बॉलर आपने आपका सिलेक्शन हुआ. हाँ जी. अच्छा. और फास्ट बॉलर आपको पहले से ही बनना था. हाँ पहले से ही, क्योंकि जब मैंने टीवी पे देखा था तो ज़हीर खान को देखा था. अच्छा. तो उनको मुझे देख के इतना अच्छा लगता था कि एक चीज़ थी माइंड पे कि ये लोग कैसे भाग के आके करेक्ट वहाँ पे जंप लेके कैसे बॉल डालते. हाँ. कुछ पता नहीं था जब घर पे जब दादाजी या पापा ये सब क्रिकेट देखते थे तो सचिन तेंदुलकर तब सिर्फ उनको ही जानती थी मैं. एक ही तेंदुलकर जी को ही जानती थी. फिर बाद में जब धीरे धीरे उनके साथ बैठ के मैं भी टीवी देखना शुरू की तो तब मैंने ज़हीर खान जी को देखा था. तो उनका मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था कि कैसे ये लोग भाग के आते हैं और करेक्ट ऐसे यहाँ पे बॉल डालते हैं, तो एकदम अच्छा, इतना अच्छा कैसे जंप लेते, ये सब मेरे लिए बहुत ये था. फिर मैंने भाग के आके ट्राई करती थी कि ये लोग कैसे भाग के आते, तो मैं ट्राई करने लगी. वो धीरे धीरे आके मुझे थोड़ा थोड़ा मैं भाई लोगों के साथ खेलते खेलते वो थोड़ा सीख गए. फिर जब क्लब पे आई क्लब में तो तब सिखाया मुझे कि ऐसे करना होता है वैसे. फिर वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ सच में ये चीज़ ऐसी होती है. तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था. तो ज़हीर खान ने आपको इंस्पायर किया फास्ट बॉलिंग डालने के लिए. हाँ. और आपने फास्ट बॉलिंग डाली, आप सेलेक्ट हुए, कर्नाटका टीम में पहुंचे. बट इसके पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं, ये जो एकेडमी खुली थी बीजापुर विमेंस वाली, तो यहाँ पे शायद ओपन सिलेक्शंस थे और कुछ 200 लड़कियाँ आ गई थी उस दिन, जिसमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए थे? हम लोग जब स्टार्ट हुआ था 200 लड़कियां आ गई थी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि कोई कोई कपड़े नहीं खरीद पाया और कोई अच्छा. कोई शूज़ नहीं ले पाया. अच्छा. और कोई कोई इक्विपमेंट्स नहीं ले पाए. okay. इस चीज़ की वजह से लड़कियों ने ज़्यादातर ड्रॉप छोड़ दिया, क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया. अच्छा. फिर हम उसके बाद रह गए 20-30 लोग, तो उसमें से 20-30 लोगों में भी हम लोग 5-6 लोग तो स्टेट के लिए बाद में सेलेक्ट हो गए. तो ये जो 20-30 लोग रुके थे वो टाइम पे, उसमें से आप थे और आपके सिस्टर थी, राइट? वो टाइम पे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, राइट? तो फिर कैसे कन्विंस किया कोच को, या जो फीस था वो कैसे मैनेज किया वो टाइम पे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी क्योंकि पापा प्राइमरी स्कूल टीचर और 5 लोग और वही अर्निंग थे खाली, बस वही मॉम हाउसवाइफ. अच्छा. तो बहुत सी दिक्कतें आई. मेरे पास तो कुछ कपड़े भी नहीं थे. हाँ, हाँ. और जैसे इन दूसरे लोगों ने कपड़े और जूतों के बारे में सोच के जो क्रिकेट छोड़ा. हाँ. पर वो चीज़ डैड ने ऐसे नहीं की हमारे साथ, क्योंकि पता था कि हम लोग नहीं ले पाएंगे वो सब चीज़ें. फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके हम लोगों को सब दिलाया. फिर कोच ने भी बहुत हेल्प किया. जब हम मैचेस के लिए जाते थे तो हमारे पास कपड़े भी नहीं होते थे उस टाइम. अच्छा अच्छा. ये जो प्रॉपर क्रिकेट के वाइट्स होते थे, जो वाइट यूनिफॉर्म्स होते हैं, वो सब नहीं थे तभी. हाँ, जब मैं फर्स्ट ट्रायल्स देने गई थी कर्नाटका स्टेट, तब मेरे पास, मैंने कहीं से तो सुना था कि आपके फिर डैड ने शायद कुछ सेकेंड हैंड या जो यूज्ड होते हैं वाइट्स वो लाए थे, फिर ऑल्टर कराया था ताकि वो फिट हो. हाँ, ये एक पैंट थी जो पापा की थी. अच्छा. नाइट पैंट थी, वाइट कलर की थी. अच्छा. तो मैंने ले ली थी. फिर अच्छा. हम लोग टी शर्ट के लिए बहुत ही इधर उधर घूमे. फिर मैजेस्टिक में जाके छोटे शॉप से टी शर्ट खरीदी थी और वही पहन के मैंने ट्रायल्स दिए थे उस टाइम पे. और उस टाइम पे मेरे पास ना बैट था ना कुछ भी था. करेक्ट. हाँ, तो ऐसे ही लड़कियों का लेके ही खेला था मैंने. अच्छा. दूसरे जो आप वहाँ पे थे फ्रेंड्स का, उनका बराबर क्लब का जो भी था उसको ही ले. वाह. तो बहुत सारी लड़कियाँ
छोड़ दी थी ये सोच के कि हमारे पास प्रॉपर क्रिकेट क्लोथिंग नहीं है, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स नहीं है, बट आप लोग के पास भी नहीं था, बट आप लोग वहाँ पे रुके रहे, फिर भी वहाँ पे टिके रहे, और फिर फैमिली ने कैसे ना कैसे अरेंज किया और वहाँ से वो जर्नी पिक किया। काफ़ी बड़ा ये लर्निंग है बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए, जो नो सोच के ये छोड़ देते हैं कि मैं वही तो ना, हमने हार मानी ना हमारे घर वालों ने हार मानी। एग्जैक्टली, और आप आज कहाँ हो? हो सकता है वो जो लड़कियाँ जिन्होंने छोड़ दी, 200 लड़कियों में से हो सकता है कुछ आज आगे जाके रिप्रेजेंट करते कर्नाटका को या इंडिया को। हैट्स ऑफ टू यू जो आप लोग वहाँ पे खड़े रहे, वो हार नहीं माने, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। वही तो, अगर बहुत ही प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, पर कभी हमारे पापा ने ऐसा शो नहीं करा है कि हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं ना ये कुछ दिला पाऊँगा या ना ले पाऊँगा, ऐसे कभी उन्होंने हम लोगों के सामने कभी बताया नहीं। ना कि सिर्फ मम्मी जानती थी कि क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा। कभी हम पांचों बच्चों के सामने उन्होंने कभी ये चीज़ आने नहीं दी। ओके, अच्छा, बच्चों तक वो नहीं जाने दिया ताकि उनका जो करियर है वो इम्पैक्ट ना हो। हाँ। वो प्रॉपर चलते रहे। जब हम बैंगलोर आते थे तो जेब में 100 रुपये लेके हम लोग बैंगलोर आ जाते थे। अच्छा। तो उसमें ही हम लोग खाना तो घर से ले आते थे। हाँ। फिर बाद में वहाँ का जो DM मिलता था हम लोगों को, तो उसमें पूरा खर्चा हो जाता था। काफी इंटरेस्टिंग सा वो फेज रहा होगा ना, ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट आज आप तब लेकिन वो चैलेंजेस थे पर उस टाइम पे चैलेंज नहीं लगा, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है हाँ कैसा क्या क्या हुआ, क्या क्या फेस किया है हमने। तो आप कर्नाटका स्टेट टीम में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए, आपके डोमेस्टिक करियर के बारे में। जब मैं कर्नाटका टीम सेलेक्ट हो गई थी, उसके बाद हम लोग अनंतपुर गए थे मैच खेलने, तब तो मैं सबसे छोटी थी टीम में, 18 साल के थे, 18 साल की। और उस टाइम पे पापा ने ट्रांसफ़र के लिए डाला था, तो उनका हो नहीं पाया था। अच्छा। तो पापा 6 महीने के लिए जॉब पे नहीं थे उस टाइम पे। ओके। और घर में भी बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी हमारे कि कुछ पापा अर्न करने वाले पापा अकेले थे घर पे, तो सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर था, तो उनके पास ही पैसा नहीं है तो घर कैसे चलने वाला। तो उस टाइम पे बहुत ही हम लोगों के घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन वहाँ मैं मैचेस के लिए गई थी, वैसे खेल तो नहीं रही थी, पर पापा ने ऐसा कुछ बताया नहीं उस टाइम पे मुझे। पर जब पहला मुझे DM मिला था, फर्स्ट 9000 वो DM मिला था, तो इतनी खुशी हुई थी ना मुझे, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही नहीं था पैसा नहीं, उतना। सही बात। तो 9000 मेरे लिए बहुत ही बड़ी रकम हुई थी उस टाइम पे। फिर मैच देखने के लिए पापा आए थे, तो मैंने पूरे पैसे उनको दे दिए। तो तो ये ऐसा मोमेंट था कि उस टाइम पे बिल्कुल भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, और 9000 देख के तो आँखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे। तो वो सब याद करती हूँ तो बहुत ही। आपके डैड को कितना प्राउड फील हुआ रहेगा? वो बस शो नहीं करते थे। तो बहुत वो अकेले में रोए हुए होंगे, पर हम लोगों के सामने कभी शो नहीं कर रहा हूँ। वाह, मतलब काफ़ी वो टफ टाइम रहा होगा। और उसके बाद फिर आपका जो ये जो करियर पिक किया डोमेस्टिक में, आपको फिर धीरे धीरे आपने और आपका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बनाया, फिर उसके बाद का जर्नी, उसके बाद क्या हुआ? पापा को फिर ट्रांसफ़र मिला या फिर? हाँ, बाद में बहुत टाइम बाद मिला उनको, थोड़ा टाइम लग गया उसमें, पर मिल गया। ओके। तो उसके बाद में ऐसे ही स्टेट के लिए खेलती गई, फिर बीच में ऐसा हुआ कि मुझे बॉलिंग चेंज करनी पड़ी। कि आपने कितना टाइम फास्ट बॉलिंग डाला? 1 साल। उसके बाद मैंने अंडर 19 स्टेट टीम के लिए सेलेक्ट हो गई थी, तो उसके बाद हम लोग हैदराबाद में मैच कर रहे थे। हाँ। तो मुझे बॉलिंग दी। हाँ। तो मैं नई ना टीम में, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ। कि बॉलिंग दी तो मेरा ओवर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब 6 बॉल नहीं कम्प्लीट हो रहे थे, 12 बॉल डाल दिए थे। फिर इधर उधर बहुत बॉलिंग हो रही थी। फिर सोचा, तो वापस जब बीजापुर गई तो सर ने बोला तू स्पिन करना शुरू कर दे। अच्छा। जब मुझे खुद को फास्ट बॉलिंग पसंद है, तो सर ने मुझे बोला कि मेरे पापा को बुलाया, मम्मी को बुलाया, बिठा के बोले कि आपकी लड़की को बोलो कि स्पिन करे। हाँ। मैं तो यहाँ पे नहीं आई। ओ अच्छा। ऐसे बोल दिया। फिर मैं दुखी होके बैठ गई। फिर पापा ने बोला कि
सुनना है, कोच की सुनना है. हाँ. वो बोल कुछ चीज बोल रहे तो तेरे अच्छे के लिए बोल रहे. तो पापा ने भी बोला ठीक है चलो, पापा ने बोला तो सर की बात मैं सुन ही लूंगी. फिर तब से मैंने स्पिन करना शुरू करा. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, जब मैंने शुरू में स्पिन करना स्टार्ट किया तो पूरा एक साइड मेरा पेनफुल रहता था, पूरा एक साइड. हाँ. क्योंकि आदत ही नहीं थी. फिर मुझे तो तब धीरे बॉल निकालना ही नहीं आता. हाँ. तेज 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 स्पिन करती थी. यस. ना बॉल टर्न होता था ना कुछ. ऐसे प्रैक्टिस करते करते शुरुआत. आप पहले से लेफ्ट आर्म ही थे? हाँ, मैं लेफ्ट आर्म. ओके. टीम में मुझे तब ज़हीर खान ही बुलाते थे. हाँ. हमारे स्टेट के लड़के सारे. अच्छा. सर भी बुलाते थे ज़हीर खान. बट वो एक साल आपने फिर ये डाला. हाँ. फिर उसके बाद वापस आप बीजापुर गए. हाँ. और वहाँ पे फिर सर ने बोला कि चेंज करो और लेग स्पिन अप बॉलिंग स्टार्ट करो. तो काफी डिफिकल्ट रहा होगा वो ट्रांजिशन. क्या हो रहा था, छोटी होने के कारण स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं थी, तो बॉल में भी इतना पेस नहीं रहता था. तो छोटे बच्चे भी मारने लग गए ना. तो सर ने बोला चेंज कर लो, स्पिन कर लो. फिर जब स्पिनर आप बन गए, उसके बाद फिर कितना टाइम लगा आपको वो रिदम में आने के लिए? मैंने उसके बाद भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया. मैंने लगातार प्रैक्टिस करी और उसके बाद ही मैंने जेट से कैंप वगैरह किया. हाँ, हाँ. हाँ, तो तुरंत ही बहुत टाइम भी नहीं लिया उसमें भी. ओके. हाँ. तो इस बार बॉलर ने फिर आपकी टीम मेट्स ने कुछ अलग नाम रखा कि फिर भी ज़हीर खान ही बुलाते थे? अब कोई नाम नहीं. अब फिर उसके बाद राजा रखा ना. हाँ, राजा. अब क्या निकनेम? सब वही बुलाते. ओके ओके. आपको पता कैसे चला और कब चला कि आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए हो? ये श्रीलंका टूर था राइट, श्रीलंका सीरीज था. जब रांची में हम लोग चैलेंजेस खेल रहे थे. हाँ. तो चैलेंजेस खेल के मैंने बॉलिंग तो अच्छी करी थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगी. ये कौन सा ईयर का था ये चैलेंजेस? 2013 का? 14 का. तो चैलेंज शायद 13 का. 13 का एंड का. हाँ, एंड का ना. एंड का. तो हम लोग मैम भी थे, मेरे कोच जो है कल्पना मैम, कल्पना वेंकटाचार्य. हाँ, वो भी मेरे साथ ही थे. तो हम लोग मैच ख़त्म करके जा रहे थे फ्लाइट में, तो उनको शायद फ़ोन आ गया. हाँ. तो उनको पता चला पहले कि ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो गया, तो मुझे उन्होंने बताया. हाँ. तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं यकीन ही नहीं कर पाई. फिर बाद में अपने आप आंसू आने लग गए, अपने का नाम ही नहीं ले रहे. फिर मैंने तुरंत पापा को कॉल किया. पापा ऐसे इंडियन टीम को सेलेक्ट हो गया. तो पापा की भी आवाज़ से मुझे लगा कि रो रहे पापा, एकदम इमोशनल हो गए. फुल इमोशनल हो गए. पर उन्होंने हाँ चल ठीक है करके थोड़ी देर में कॉल काट दिया. पर 100% श्योर हूँ कि पापा वहाँ भी रो रहे थे. तो उनकी भी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहा उस टाइम पर. फिर इंडिया टीम में आप सेलेक्ट हुए, इसके बाद श्रीलंका में टूर था. हाँ. और पहले ही मैच में फिर आपने वापस से मचा दिया. आपको शायद दो विकेट मिले थे. हाँ, करेक्ट. तो आप शायद नर्वस रहते हो ना पहले या आप एकदम फ्रीली बॉलिंग डालते हो? दो विकेट डेब्यू मैच में. वो ड्रीम डेब्यू. उस टाइम पे बहुत नर्वस थी मैं, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना. मैं अपने टीममेट्स को जानती थी ना, अपोनेंट्स को जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी. वो पहले मैच के टाइम में मैंने देखा था कि श्रीलंका की लड़कियाँ. तो उस टीम में किसको आप जानते थे, कौन से प्लेयर्स को, इंडिया प्लेयर्स में से किसको जानते थे? मैं बस वनीता और वेदा को ही जानती थी. अच्छा. बाकी सब बाकी किसी को भी? वो सब मेरे लिए नए थे. बस मैंने नाम सुने थे. हाँ. कि मिताली राज, अमिता शर्मा, वो तब अमिता शर्मा भी थी. yes. तो इन लोगों के बस नाम सुने थे. फिर वो सब मेरे लिए बहुत ही नया था. और जब सेलेक्ट होने के बाद जब मुझे जर्सी मिली, इंडिया जर्सी, तो मैंने जर्सी ऐसे रखी बेल्ट पे. हाँ. और बाथरूम में जाकर रोने लगी. ओके. बहुत ही मतलब कि वो लोगों जो है बहुत मायने रखता है. तो वो बयान नहीं कर पाती अभी भी कि वो इतनी अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे. कि बाद में हम लोग मैच करने गए, जर्सी पहनी, तो वो अलग ही फीलिंग थी. फिर मैच खेले उस टाइम पे एक्चुअली बहुत नर्वस थी मैं कि क्या कैसे करूँगी क्या करूँगी. और मुझे ये भी नहीं पता था कि पहला मैच ही खिला देंगे, सोचा भी नहीं था. फिर बॉलिंग के फील्डिंग के टाइम पे मेरा हाथ बिल्कुल भी नम, मतलब कि
बॉल भी नहीं बैठ रहा था, ऐसे हो गए थे कि नर्वस, इतनी नर्वस थी. उसके बाद बॉलिंग में आई तो सब भूल गए. बॉलिंग में सिर्फ यह है कि बॉल मिलता है डालना है, बस यही दिमाग में रहता है. तो उसके बाद नर्वस नहीं, कुछ नहीं. बॉलिंग डालने के बाद फिर जब विकेट मिला होगा तो उसके बाद तो फिर है ना, उसके बाद तो फिर कोई नर्वसनेस बची नहीं रहती ना, फिर तो और एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है. तब तो मैं तब नर्वसनेस मेरी चली गई थी बॉलिंग के बाद. ओके, आपको मिताली मैम ने भी बहुत सपोर्ट दिया वो टाइम पे. डेब्यू मैच में आपको जो लिया पहले ही मैच में, पहले तो वो भी उनका ही डिसीजन था शायद. मुझे सीनियर्स ने बहुत ही सपोर्ट किया है टीम में. दैट्स नाइस. हां, जैसे मिथु दी, जुनू दी, इन लोगों ने कभी मुझे एक जूनियर होकर के ऐसे फील नहीं कर रहा है, इस चीज़ के बहुत ही अच्छा है.